दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि आप किस तरीके से वर्डप्रेस पर जो है स्लाइड्स जो है बना सकते हो, इजीली अपनी वेबसाइट पे आप बना सकते हो और उसे ऐड कर सकते हो एलिमेंटर के थ्रू। तो आज जैसे कि दोस्तों आपको पता है हमारे चैनल पे वर्डप्रेस की सीरीज चल रही है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और जल्दी से आज की वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको स्लाइडर बनाने के लिए एक प्लगइन की जरूरत पड़ेगी। आपने आना है प्लगइन वाले सेक्शन पर और ऐड न्यू पर आपने क्लिक करना है। ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आपने एक स्लाइडर को सर्च कर लेना है और फर्स्ट में जो एक प्लगइन आपके सामने आ रहा है उसको आपने दोस्तों इंस्टॉल कर लेना है और जस्ट एक्टिव कर लेना है। यहां पर आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा स्मार्ट स्लाइडर का, आपने जस्ट इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। स्लाइडर जो हम बनाने वाले हैं वो प्लगइन इस्तेमाल करने वाले हैं स्मार्ट स्लाइडर, और जो हम स्लाइडर को ऐड करने वाले हैं अपनी वेबसाइट पे उस किसके थ्रू एलिमेंटर के थ्रू अपनी स्लाइड को हम ऐड करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम स्लाइड बनाएंगे फिर एलिमेंटर पे जाकर उसे हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ आप देखें मैंने बहुत सारे स्लाइड जो है यहाँ पर क्रिएट किए हुए हैं। आपके सामने बिल्कुल ब्लैंक प्रोजेक्ट आएगा, आपने यहाँ जस्ट न्यू प्रोजेक्ट पर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पर ये इसके कुछ टेम्पलेट वगैरह हैं जैसे कि एलिमेंटर पर होता है बने बनाए टेम्पलेट्स एंड थीम वगैरह, तो यहाँ पर भी है। तो मैं भी आपको एक बना कर दिखाता हूँ। आपने क्या करना है क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपसे प्रोजेक्ट का टाइप पूछ रहा है और स्लाइडर का टाइप पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पर नॉर्मली रहने देता हूँ और यहाँ क्रिएट पर मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है यहाँ पर इस तरीके का पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जर्नल साइज कंट्रोल एनिमेशन ऑटो प्ले ऑप्टोमाइज स्लाइड्स एंड डेवलपर। तो दोस्तों एक एक करके सारे ऑप्शंस को हम समझते हैं। यहाँ पर आपने ऐड स्लाइड पर क्लिक करना है और वो इमेज को आपने सिलेक्ट करना है जिसका आप स्लाइड बनाना चाहते हो। तो मैं जस्ट यहाँ पर इमेज को जो है वो सिलेक्ट कर लूंगा, और इमेज अगर आप ऐड करना चाहो यहाँ पर अपने स्लाइड में आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ अपने जो भी स्लाइड को मैं बनाना चाहता हूँ। और जस्ट आपने नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक साइज का ऑप्शन मिलेगा, तो सबसे पहले हाइट एंड विड्थ यहाँ पर मैं दे देता हूँ अपनी मेरी जो जो भी इमेज का साइज है। एक वेबसाइट को दोस्तों यहाँ पर मैंने ओपन किया हुआ है, यहाँ पर आप देखें कि एक स्लाइड लगा हुआ है और जैसे मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ यहाँ पर एक बुलेट भी है, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं एक बुलेट लगा हुआ है। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ ये दूसरे इमेज पर अब मूव हो रहा है और इसमें एनिमेशन का भी यूज किया गया। तो आप क्या करोगे, आपने यहाँ पर हाइट एंड विड्थ दे देना है अपनी इमेज का। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कंट्रोल मिलेगा, तो यहाँ पर आप एरोज को ऐड कर सकते हो। मैं बोलता हूँ मुझे अभी एरोज नहीं चाहिए, मुझे बुलेट चाहिए कुछ इस टाइप का, इसको हम बुलेट कहते हैं। अपने स्लाइड में आप इसे ऐड कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ें कुछ शेडो वगैरह भी आप अपने स्लाइड पर ऐड कर सकते हो। शेडो को मैं ऑन कर देता हूँ। उसके बाद एनिमेशन को अभी मैं क्रॉस फेड रख देता हूँ। ऑटो प्ले यस, ये ऑटोमेटिक प्ले होता रहे स्लाइडर, और यहाँ पर इसकी टाइमिंग मैं 1200 कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों जस्ट मैं क्या करता हूँ, और बाकी ये सेटिंग बाय डिफॉल्ट सेट होता है, तो यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ना आपके सामने एक कोड आ रहा होगा, शॉर्ट कोड, तो ये कोड को आपने ना यहाँ पर कॉपी कर लेना है। ठीक है दोस्तों, या इस कोड को मैंने कॉपी कर लिया। हम आ जाते हैं अपनी वेबसाइट पर, ये हमारी वेबसाइट है, ये बिल्कुल खाली है। अभी हम इसी को एडिट करने वाले हैं, यहाँ हम स्लाइड्स को लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपने क्या करना है, एक सेक्शन आपने ले लेना है जस्ट सिंगल सेक्शन। उसके बाद यहाँ पर आपने सर्च कर देना है शॉर्ट कोड, और उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, और जो कोड हमने कॉपी किया था जस्ट आपने यहाँ पर उसे पेस्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्लाइड था वो यहाँ पर ऐड हो चुका है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और भी आप इमेज वगैरह ऐड करना चाहें, अब मैं अपनी वेबसाइट को यहाँ पर ओपन करता हूँ। वहाँ मैंने अपडेट कर दिया अपने एलिमेंटर वाले प्रोजेक्ट को। वेबसाइट को यहाँ पर मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि शो किस तरीके से आपके सामने होगा। तो यहाँ पर देखें दोस्तों ये लग चुका है और यहाँ पर बुलेट भी आ चुका है और ये शेडो भी है। अगर आप चेंज करना चाहते हो, मान लो कि मुझे शेडो नहीं चाहिए, तो आप कंट्रोल्स में आओगे
और यहाँ पर शेडो को ऑफ कर दोगे। कुछ और इमेज आपने अगर ऐड करना है तो आप इमेज वाले सेक्शन पर जाओगे। अब अपने मर्जी के मुताबिक जो भी आपको इमेज अच्छी लगी, जैसे कि इसको मैं ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद जस्ट आपने सेव करना है और आप रिफ्रेश एक बार यहाँ पर हम करके देख लेते हैं, क्योंकि वहां से जब हम सेव करेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिक जो है सेव हो जाएगा। आपने एलिमेंटर पे जाकर सेटिंग को चेंज नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें यहाँ पर बुलेट भी आ रहा है और हमारा स्लाइडर प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो दोस्तों, आप कहीं भी अपनी वेबसाइट में इस तरीके के स्लाइड्स बना सकते हो इस प्लगइन को यूज करके, स्मार्ट स्लाइडर 3। इसको जैसे कि देखा दोस्तों हमने किस तरीके से स्लाइड्स को ऐड किया, इस तरीके से एलिमेंटर के थ्रू आप स्मार्ट स्लाइडर को यूज करके अपनी वेबसाइट में किसी भी जगह स्लाइडर को लगा सकते हो। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। पसंद आती हो तो इस वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा, एंड अल्लाह हाफिज़।